तो नमस्ते जयंत, गोल्ड डस्ट डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टिंग के बारे में अपना चैनल है और कस्टमर अपने पास में आया है सिरोही राजस्थान से आया है। कितने दिन से कांटेक्ट में थे आपने? 15-20 दिन से। मैं बोला मैं बाहर हूँ तो आप रुके थे ना आने के लिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा बजट के हिसाब से मशीन बताओ। बजट के हिसाब से नहीं, कैसा कैसा मशीन जाता है आपने क्या बोला। हाँ, तो आप भी समझो गहराई का कॉन्सेप्ट क्या है, गहराई का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी कॉइल और छोटी कॉइल में आपको क्या एडवांटेज मिलता है और क्या डिफरेंस मिलता है। सर थोड़ा आप मोबाइल पकड़ेंगे, इधर ही पकड़ना, इधर मत पकड़ना। हाँ, पाप लग जाएगा। दिख रहा हूँ मैं? हाँ, पूरा दिख रहा हूँ, पूरा नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, अभी मैं अपना कैमरा मैन। हाँ, ऊपर ही हाजिर करो ना। हाँ, तो ये देखो हर जगह घुमाने का ऐसा गहराई का कॉन्सेप्ट ये है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे घुमाने का गहराई का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग बोलते हो कि हमको क्या 3-4 फीट जो भी मेटल मेटल मिल रहा है, मेटल जो भी होता है वो 2-3-4 फीट तक ही होता है ज्यादातर, क्योंकि जमीन खोदना आसान बात नहीं, क्योंकि इंडिया हिंदुस्तान जो है वो अफ्रीका से कट के यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई एशिया का पार्ट नहीं था, ये वहां से कट के यहाँ पे आया है, तो इसका मट्टी अफ्रीका के जैसा ही है, सॉइल कंडीशन बहुत हार्ड है। तो आप लोग बोलते हो कि हमको अभी कुछ मशीन लेनी 3-4 फीट के लिए मांगते लोग, लेकिन फिर बड़ा कॉइल किसके लिए होता है, बड़ा मशीन किसके लिए होता है, ज्यादा डेप्थ वाला मशीन किसके लिए होता है। ये देखो ये नुक्ता इंपैक्ट है बड़ी कॉइल के साथ में, ये देखो ये है, और बाकी भी सिंप्लेक्स भी बड़ा कॉइल के साथ में आता है, उसका कॉइल भी होगा आपको दिखा सकते हैं, ये सिंप्लेक्स का बड़ा कॉइल है, ठीक है। उसके अलावा मैटर ऐसा है कि बड़ा कॉइल क्यों लेने का, बड़ा ज्यादा डेप्थ वाला गहराई वाला मशीन, अरे गहराई में नहीं होता है चलो हम भी मानते हैं ना, लेकिन छोटा पार्ट ज्यादा गहराई पे होगा वो बड़ी चीज को बाहर दूर पकड़ेगा। अभी जो नॉर्मल रेंज की आती है 40-50 हजार के अंदर की मशीन, वो छोटी चीज को 2-2.5 फीट तक पकड़ लेगा, वही जो बड़ा वाला जो मशीन आता है बड़ा कॉइल वाला ज्यादा डेप्थ वाला, वो उतनी चीज को 4-4.5 फीट पे पकड़ेगा। तो ये कंसेप्ट में समझने में लोगों को गलतियां होती है, उसके कारण मशीनें गलत चॉइस करते हो बजट होने के बाद भी। तो अगर बजट है तो उसमें जाओ, और बजट कम है तो फिर किस्मत की बात है, ठीक है ना। समझ में आया ना सबको? तो ये सारा मैटर है, समझ में आया बराबर। हाँ, तो इसके लिए आपका बजट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, ये देखो मैंटिकोर इंडिया में अपने पास में आ गया है एक्सटेरा, ये 15 दिन पहले आ चुका है, लेकिन मैं 15 दिन बाहर था तो साफ लोग वेटिंग पे थे। ये एक्सटेरा प्रो वाटरप्रूफ में मैंटिकोर आ गया है, इक्विनॉक्स 700 आ गया है, इक्विनॉक्स 900 स्टॉक में है। तो अभी मैं ये क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा स्टडी करूंगा पहले समझूंगा, क्योंकि मैं आपको इसमें क्या बता पाऊंगा तो ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इन सर को कैसा कंसेप्ट होता है इनका, क्या कौन सा क्या है, देखते हैं। चलो, अगर मशीन लेना है तो कॉल करना है, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, चलो ठीक।